वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप विंडोज़ का जो इनसाइड प्रोग्राम होता है उसको आप लीव कैसे कर सकते हो। आपने भी इन विंडोज़ 11 अपग्रेड किया होगा और आप वापस विंडोज़ 10 पे जाना चाहते होंगे, पर क्योंकि विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 पे आप जाते हो तो आप इनसाइडर प्रोग्राम नहीं लीव कर पाते हो। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इनसाइडर प्रोग्राम नहीं लीव करते तो आप ऑटोमेटिकली 11 पे वापस चले जाओगे। सबसे पहले आपको गेटिंग प्रीव्यू बिल्स को ऑन कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एक लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए। आपकी बेसिकली स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए जैसे मेरी इस समय दिख रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिली थी उसको आपको क्लिक करना है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और जब आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टेक्निकली विंडोज़ का ही पूरा का पूरा अपडेट होता है। पर जैसे ही अपडेट हो जाएगा थोड़ी सी देर के बाद ही आपका जो पूरा का पूरा लैपटॉप या फिर जो पीसी है वो आपका एकदम से रीस्टार्ट सा हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसी बार वो रीस्टार्ट हो जाएगा आप जब विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में जाकर चेक करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। इसका मतलब आप हट चुके हैं विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम आपके सिस्टम से। ओके, और आप अपने स्पेसिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं आपका जो वर्जन है वो अपडेट वाला वर्जन हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के थोड़े से प्रिकॉशंस कि आप इसको कैसे सस्टेन कर सकते हो। सबसे पहले आपको विंडोज़ प्लस आर को दबाना है और लिखना है services.msc और उसको ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जैसे ही वो खुल जाएगा आपको नीचे तक स्क्रॉल करना है और आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको ढूंढना है विंडोज़ अपडेट। ये रनिंग होगा, आपको इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको डिसेबल कर देना है और अप्लाई करके ओके दबा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको विंडोज़ इंस्टॉलर सर्विसेज को दबा के इसको भी डिसेबल कर देना है। अब ये एक वन टाइम काम होता है, आपको बार बार नहीं करना होता है, तो बस एक बार हो गया तो काम हो गया। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए टेकी वीर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।